हे गाइस, वेलकम ऑन दिस वीडियो। सो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक फाइलम सिलेंट्रेटा, या जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। सो निडेरिया में क्या क्या चीज़ें हैं, दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मेराइन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग, ठीक है। या तो ये कहीं पर रुके रहते हैं जिसको हम बोलेंगे सेसाइल, या फिर वो फ्रीली स्विमिंग करते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, इससे पहले वाला जो फाइलम था पोरीफेरा वो कैसा था, असिमेट्रिकल था और मोस्टली उसमें मेराइन थे, बट इसमें मेराइन भी हैं, एक्वेटिक, सेसाइल, फ्री स्विमिंग इस टाइप का है और रेडियली सिमेट्री है इसकी। द नेम निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। वॉट इज नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स, विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और द नेमेटोसाइट्स, ठीक है। तो नीडोब्लास्ट मतलब कि उनके पास कुछ स्टिंगिंग टाइप के कैप्सूल्स होते हैं जो इनको डिफेंस करने में इनकी हेल्प करते हैं। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, तो बॉडी के ऊपर या टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं नीडोसाइट्स, या जिसको हम बोलते हैं नीडोब्लास्टिस। नीडोब्लास्टिस आर यूज फॉर एनकोरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले वाला जो था वो था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटर सेलुलर। सम ऑफ द निडेरियंस एग्जाम्पल फॉर कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप और मेड्यूसा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने इसमें अंडरलाइन किया हुआ है वो सब प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नीडोब्लास्ट का यूज़ किस किस में होता है। सो ये उनके तीन यूजेस हैं। नेक्स्ट, इसका डाइजेशन कैसे होता है, एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों टाइप का। कोरल्स, इनके पास स्केलेटन कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। एंड निडेरियंस में दो टाइप की बेसिक बॉडी होती है, पॉलिप और मेड्यूसा। तो फॉर्मर इज अ सेसाइल एंड अ सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक इन हाइड्रा एंड एडम्सिया। तो जो पॉलिप फॉर्म है वो सेसाइल होती है, एक जगह पर टिकी रहती है, और सिलेंड्रिकल फॉर्म की होती है और ये किसमें मिलती है, एच ए, मतलब कि हाइड्रा में और एडम्सिया में। वेयर इज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड, तो मेड्यूसा कैसा है, अम्ब्रेला शेप्ड का होता है। एंड फ्री स्विमिंग लाइक ओरलिया और जेलीफिश, ओरलिया को हम जेलीफिश बोलते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फिश ट्रू है, तो उसमें अगर जेलीफिश आता है तो जेलीफिश आपको नहीं लगाना है, क्योंकि जेलीफिश जो है वो निडेरिया के एग्जाम्पल्स में आता है। उसके बाद है दोस्त निडेरियंस विच एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि निडेरियंस जो है ये दो टाइप की फॉर्म्स को रखते हैं, एक इसमें इसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, मतलब कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दैट इज द पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसे एसेक्सुअली एंड द मेड्यूसा फॉर्म्स द पॉलिप सेक्सुअली। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पॉलिप जो कि सेसाइल फेज थी उससे बनता है मेड्यूसा बाय द सेक्सुअल मेथड, एंड द मेड्यूसा फ्रॉम द पॉलिप ये बनता है सेक्सुअली। एग्जाम्पल इसमें है ओबिलिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस एक ही का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मेटाजेनेसिस किसमें होती है, ओबिलिया में। उसके अलावा ये पॉलिप, ये हाइड्रा एंड एडम्सिया, एंड मेड्यूसा होती है ओरलिया या जेलीफिश में। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, सिलेंट्रेटा या निडेरिया के फाइसेलिया, इसको हम बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया जिसको बोलते हैं सी एनिमोन, पेनिटुला सी पेन, गोनिया सी फैन, एंड मीनटेराइना ब्रेन कोरल, ठीक है। तो इसके मैंने एक अलग ट्रिक से रिलेटेड सारे मैंने एक वीडियो बनाई हुई जिसमें सारे एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। सो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। और इनके डायग्राम्स कौन कौन से, तो ये जो है सबसे पहला डायग्राम ये है ओरलिया का, ये मेड्यूसा फेज है, और ये है ओरलिया की एडम्सिया की पॉलिप फेस, ठीक है। ये मेड्यूसा फेस है क्योंकि अम्ब्रेला शेप्ड की थी, और ये जो एडम्सिया की पॉलिप फेस है ये सेसाइल होती है, इसीलिए इसमें इस तरीके से नीचे अटैच है। एंड ये है नीडोब्लास्ट का डायग्राम। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द टिनोफोरा। टिल देन वॉच ऑल द वीडियोज ऑफ यूट्यूब एंड अन अकेडमी फॉर द रिविजन ऑफ नीट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।